हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ नाइन्थ लेसन पैरेडीज द ट्रीलेस ग्रासलैंड। तो इसका पेज नंबर है 46 और इसकी बुक है सोशल स्टडीज क्लास 5। तो शुरू करते हैं। देर आर सम रीजन्स इन द वर्ल्ड विच हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। These regions are very hot in summers and very cold in winters. Rainfall is moderate. These regions fall under the temperate zone. We can find that most of the grasslands of the world are in the temperate zone. Grasslands in different continents are known by different names. तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड है उसको पैरेरीज बोलते हैं, साउथ अमेरिका में पैम्पास बोलते हैं, अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं, एशिया और यूरोप में स्टेपीज बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं और अंटार्कटिका में कोई ग्रासलैंड नहीं है। जो पैरेरीज है, द पैरेरीज आर वाइड एंड फ्लैट स्ट्रेचेस ऑफ ट्रीलेस ग्रासलैंड्स डैट लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। दीज ग्रासलैंड्स एक्सटेंड फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको। जो पैरेरीज है वो बहुत वाइड और फ्लैट होते हैं, ट्रीलेस ग्रासलैंड बहुत लंबे और फ्लैट होते, फ्लैट और वाइड स्ट्रेच होते हैं ग्रासलैंड के, जिनमें कोई पेड़ नहीं होता। और नॉर्थ अमेरिका में है ये ग्रासलैंड कनाडा से मेक्सिको तक जाते हैं, यहाँ पे है ये। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेक्सिको और ये रहा कनाडा। तो ये यहाँ से यहाँ तक है पैरेरीज। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। द पैरेरीज आर लोकेटेड इन बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। The region was earlier covered by thick and tall grass. It was one of the grazing grounds for bison. The prairies are watered by the Mississippi River and its tributaries. After the arrival of Europeans in this region, the grazing land turned into farming land. This region is now the biggest farming region of the world. जो पैरेरीज हैं वो नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पहले ये रीजन बाइसन्स के लिए ग्रेजिंग लैंड था, जहाँ पे वो चारा खाते थे, चरने का इलाका था। और जो पैरेरीज हैं उनको पानी मिलता है मिसिसिपी रिवर से और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। जब यूरोपियंस यहाँ पे आ गए तो फिर ग्रेजिंग लैंड फार्मिंग रीजन में बदल गया और अब ये सबसे बड़ा फार्मिंग रीजन है पूरी दुनिया का। ये जो पैरेरीज है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाली पैरेरीज ये रही, एकदम बीच में आई। तो एग्रीकल्चर, जो सॉइल होता है पैरेरीज का वो डार्क और फर्टाइल होता है। जो यूरोपियन सेटलर्स हैं यहाँ पे, इसलिए ही इस ग्रासलैंड्स को फार्म लैंड की तरह यूज़ करते हैं। जो मेन क्रॉप्स हैं जो कि यहाँ पे उगती हैं पैरेरीज में, वो हैं मेज़, बार्ली, वीट, राई, कॉटन, ओट्स एंड यूजफुल ग्रासेस। जो चीफ क्रॉप है नॉर्दर्न पैरेरीज की वो है वीट, जो कि हमने कनाडा में है वो वाली है नॉर्दर्न पार्ट। तो वहाँ पे है मेन क्रॉप वीट है, और वीट मतलब गेहूँ है। और गेहूँ की जो प्रोडक्शन है वो लोकल डिमांड से बहुत ज़्यादा है, मतलब जितने लोगों को चाहिए होती हैं उससे बहुत ज़्यादा है। जो सरप्लस वीट होता है
वो जो एक्स्ट्रा वीट होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है दूसरी कंट्रीज में, इसलिए पेरेरीज को, जो कि नॉर्थ अमेरिका की पेरेरीज को वीट बास्केट भी कहते हैं दुनिया की। और जो चीप क्रॉप है सदर्न पेरेरीज में, जो कि सदर्न पेरेरीज में ग्रो होती है, वो है कॉटन, मतलब मैक्सिको के एरिया में। द फार्म लैंड्स कन्वर्टेड फ्रॉम ग्रास लैंड्स इन द पेरेरीज स्प्रेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। फार्मर्स एंड वर्कर्स स्टे इन द फार्म्स विद देयर फैमिलीज। होमस्टेड्स आर बिल्ट फॉर द फार्मर्स फैमिली एंड वर्कर्स। देयर आर सेपरेट शेड्स फॉर कैटल एंड फार्म मशीनरी। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग जॉब लाइक प्लफिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग आर डन विथ मशीन्स। हैंस अ स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स आर एबल टू कल्टिवेट थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। दे स्टोर द फूड ग्रेन्स इन द सिलोस विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो जो फार्म लैंड होते हैं, जो कि ग्रास लैंड में बने होते हैं पेरेरीज में, वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ माइल्स स्प्रेड करते हैं, और फार्मर्स और वर्कर्स फार्म्स में ही रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। होमस्टेड्स बनाए जाते हैं फार्मर्स के फैमिलीज और वर्कर्स के लिए, और यहाँ पे सेपरेट शेड्स होते हैं कैटल और फार्म मशीनरी के लिए, और ज़्यादातर उनमें से जॉब्स जो हैं फार्मिंग की, प्लफिंग जैसी, सोइंग जैसी, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग वाली, वो मशीन से ही की जाती है। इसलिए सिर्फ काफ़ी कम वर्कर्स ही कल्टीवेट करते हैं इस थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ लैंड को। इस फूड को वो स्टोर करते हैं, फूड की ग्रेन्स को वो स्टोर करते हैं साइलोस में मशीन्स की हेल्प से। अब कैटल एंड शीप आर मेनली रियर्ड फॉर मिल्क एंड मीट। ओपन एरियाज यूज्ड फॉर रियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड रैंचेस। मिल्क एंड मीट आर प्रोसेस्ड थ्रू मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड्स एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। इवन मिल्किंग ऑफ काउ इज डन थ्रू मशीन्स। देर आर मैनी स्लॉटर हाउसेज इन द पेरेरीज। Most of them are located in towns and cities. Chicago on the tip of Lake Michigan is an important center for slaughtering animals. Cattle or sheep ज़्यादातर milk और meat के लिए rear किए जाते हैं। Open areas जिनमें उनको rear किया जाता है उसे कहते हैं ranches. Milk और meat process किए जाते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड से और एक्सपोर्ट किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। और यहाँ तक कि मिल्किंग ऑफ काउ इज़ आल्सो डन थ्रू मशीन्स। और ज़्यादातर स्लॉटर हाउसेस पेरेरीज में होते हैं, और ज़्यादातर उनमें से टाउन्स और सिटीज़ में होते हैं। चिकागो टिप ऑफ लेक मिचिगन में है वो, और वो इम्पोर्टेंट सेंटर है एक स्लॉटरिंग एनिमल्स के लिए। अब मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वहाँ के, जैसे कि लिग्नाइट, कोल, मिनरल ऑयल और ये सब चीज़ें वहाँ पेरेरीज में होती हैं। ये मिनरल्स माइन किए जाते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में। मैनी अदर इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड इन द पेरेरीज। द पीपल ऑफ द पेरेरीज आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ एक्टिविटीज, बट देयर एक्टिविटीज आर स्टिल बीइंग कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट। द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर मीट पैकिंग एंड फ्लावर मिल्स। तो फ्रेंड्स, यही था ये पूरा लेसन। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।